नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। बजट 1 फरवरी को, नहीं होगी चुनावी राज्यों के लिए नई योजना की घोषणा। चुनाव आयोग ने सोमवार रात केंद्र सरकार को विधानसभा चुनावों से पहले 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने की मंजूरी दे दी। आयोग ने कहा कि चुनाव वाले 5 राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता। बजट भाषण में इन प्रदेशों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। आयोग ने सरकार को 2009 में जारी की गई एडवाइजरी की भी याद दिलाई। इसमें कहा गया था कि परंपरा के अनुसार चुनावों से पहले पूर्ण बजट के बजाय लेखानुदान पेश किया जाता है। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए और सभी के लिए स्थिति समान बनाए रखते हुए किसी राज्य केंद्रित योजना की घोषणा नहीं की जाएगी, जिसकी चुनाव वाले 5 राज्यों के मतदाताओं पर सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में असर पड़ने की संभावना हो। आयोग ने ये भी कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में किसी भी तरह से 5 राज्यों के संदर्भ में सरकार की उपलब्धियों का बखान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2009 की एडवाइजरी का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि वो अपेक्षा करता है कि आयोग द्वारा उस पत्र में दिए गए परामर्श का भी सरकार वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट पेश किए जाते समय ध्यान रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने 2009 में कहा था कि वो चुनाव के समय बजट के संदर्भ में कोई आदेश नहीं देना चाहेगा। तब आयोग ने कहा था कि हालांकि वो सलाह देगा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके मामले में लेखानुदान लिया जाना चाहिए। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बजट प्रस्तुत किए जाने पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है। आमतौर पर बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता रहा है। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के मंत्री और महिला कांग्रेस प्रमुख के घर छापा, 162 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। इंदौर, पतंजलि के बिस्किट पैकेट्स का वजन कम निकला, 2,60,000 का जुर्माना। माल्या मामला, आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन समेत 9 गिरफ्तार। वडोदरा पहुंचे शाहरुख को देखने उमड़ी भीड़, भगदड़ से 1 की मौत। और उद्धव ने साधा मोदी पर निशाना, कहा विज्ञापनों पर पैसों की बर्बादी न हो।